नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैथ्स के कुछ टिप्स ट्रिक्स और कुछ सरल चीज़ें, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिए ताकि आपको हेल्प मिले आगे इन वीडियो को देखने में। और आज अगर हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के एक नए टॉपिक्स यूनिट डिजिट के बारे में, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो कितने सरल तरीके से हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो बनने जा रहा है ये, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनाने में मदद मिले। और अगर आपको पता है कि हम अग्निवीर योद्धा के नाम से बेच चला रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको आपके दोस्त वगैरह भी अगर ये तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर से रिलेटेड, तो कृपया उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, यूनिट डिजिट एक बहुत ही अच्छा इकाई अंक, किसी प्रश्न में इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना का मतलब, इकाई अंक तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले किसी भी नंबर्स में किसी भी संख्या में इकाई अंक कहाँ रहता है, सबसे पहले स्थान पर इकाई अंक रहता है। सबसे पहले स्थान पर क्या रहता है, इकाई अंक रहता है, दूसरे स्थान पर दहाई अंक, तीसरे स्थान पर सैकड़ा, इस तरह से आगे हजार, दस हजार, लाख दस हजार रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 15 इंटू 20, ठीक है, 15 इंटू 20। अब इन दोनों संख्याओं का अगर आप गुणा करते हैं तो पहला अंक कौन सा होगा, यही इकाई अंक निकालना। इस 15 इंटू 12 यानी 15 गुणा 12 को अगर आप सोल्व करते हो तो पहले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, उस अंक को निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ 12, 12 पंजे 60, 6 और 12 एकम 12, 12 और 6 18, 180। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है यहाँ पर, जीरो। क्या निकालना है आपको, जीरो। तो हमें हर इस सारे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जोड़कर इकाई अंक निकालना है, घटाकर इकाई अंक निकालना है, गुणा करके इकाई अंक निकालना है। तो अगर बड़े से बड़ा नंबर हो, बड़े से बड़ी संख्या हो, तो उसमें हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं यही हमें देखना है ना। तो इकाई अंक यानी किसी भी नंबर्स का सॉल्यूशन करने के बाद किसी भी नंबर्स का पहला अंक क्या होगा, है ना। तो बड़े से बड़े प्रश्न को पूरा सोल्व ना करके उसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं यही देखना महत्वपूर्ण है इस पूरे वीडियो में, तो बने रहिए। तो ये क्वेश्चन है आपको, अब इनमें सब में गुणा करना, मतलब अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो उनका गुणा करके एक संख्या लाना, मतलब समय कितना लग जाएगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर दे रखा आपको 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 16 गुणा 18, इस तरह से और आगे भी संख्या हो सकती है, पर यहाँ पर ये संख्या दे रखी है आपको। इस संख्या में आपको इन सबका गुणा करके एक नंबर लाना है, और नंबर लाने के बाद पहला अंक क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका सीधा सा तरीका है करने का, तरीका क्या है कि आप भी इन संख्याओं के इकाई अंक लेंगे। जैसे 11 में इकाई का अंक 1 है, 12 में इकाई अंक 2 है, 13 में 3 है, 14 में 4 है, 16 में 6 और 18 में 8 है। हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, बाकी किसी नंबर से मतलब नहीं है। इस तरह से अगर सीधा गुणा आए आपको तो क्या करना है, 1 का गुणा 2 में करना है तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। फिर इस 2 का गुणा 3 में करना है तो आपको क्या मिलेगा, 3 दुना 6। फिर इस 6 का गुणा आपको करना है 4 में, तो 6 चौक 24, यहाँ पर 24 मिला है तो 24 से मतलब नहीं हमें, हमें किससे मतलब है, सिर्फ 4 से मतलब है। फिर 4 का गुणा 6 में करना है तो 24 आएगा, तो 24 से मतलब नहीं है हमें, किससे मतलब है, सिर्फ 4 से। फिर इस 4 का गुणा होगा 8 में, तो 8 15 16 8 24 8 चौक 32, 32 आया तो 32 में सिर्फ 2 से मतलब है, तो हमारा लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा आपका, 2। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास और क्वेश्चन भी है, इनके माध्यम से हम सीखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, 21 22 20 सॉरी 1 3
13, 25, 16 और 18 है ना, इन क्वेश्चनों को क्या करना है, मैंने बोला है कि इकाई अंक लेना है, एक का गुणा दो में करेंगे तो क्या आएगा आपका दो, दो का गुणा तीन में करेंगे तो तीन दुना छः, छः का गुणा पाँच में करेंगे तो छः का गुणा पाँच में करना, छः पंजा की तीस, तीस का जीरो लेना है, क्या लेना है जीरो। अब देखो जीरो का गुणा आगे इन संख्याओं में होगा तो जीरो ही आएगा, तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या आएगा आपका जीरो। ठीक है, अगर पाँच आ जाता है गुणे में और कोई भी सम संख्या आ जाती है तो आपको जीरो होगा, अगर पाँच आता है गुणे में और गुणे में ही कोई सम संख्या आ जाती है, जैसे दो, जैसे यहाँ पर पाँच आया, छः आठ ऐसा कोई संख्या आती है तो जीरो ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या ली है तो हमें, मैंने बताया कि आपको बड़ी संख्या हो कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना है। सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक का गुणा होगा आपका, एक का गुणा होगा दो में तो दो आएगा, दो का गुणा होगा तीन में तो तीन दुना छः, फिर छः का गुणा होगा आपका एक में तो छः का छः, फिर छः का गुणा होगा छः में तो छाई छाई छत्तीस छः, फिर छः का गुणा आठ में होगा तो आठ छः अड़तालीस, यानी आठ आएगा, अड़तालीस का आठ, तो आपका इकाई अंक क्या होगा आठ। देखो गुणा करने पर अगर दो नंबर्स आए तो पहला नंबर लेना है, जैसे यहाँ पर आठ और छः का गुणा किया तो 48 आया, 48 आया तो 48 में आपको 8 लेना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लिए, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, एक का गुणा दो में करेंगे दो आएगा, फिर इस दो का गुणा तीन में करेंगे तो तीन दुना छः आएगा, फिर इस छः का गुणा चार में करेंगे तो छः चौक चौबीस चार आएगा। अब आगे इन्होंने डैश 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 करके रखा, मतलब ये सीरीज आगे 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 19 तक ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो देखो इसको इतने को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप सीख चुके हैं, अब जैसे अगर नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप सीख चुके हैं तो यहाँ पर देखो आगे क्या आएगा, 15 गुना 16 गुना 17 गुना, मतलब ये 19 तक दे रखा, आगे भी दे सकते। तो देखो यहाँ पर क्या आया आपका, 6 गुना 4 करेंगे तो 6 चौक 24 4 आया, क्या आया आपका 4 आया, और इस 4 का गुणा अगर 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और 0 का गुणा आगे किसी संख्या में भी करोगे तो 0 ही मिलना है, 0 का अगर किसी में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको 0 ही मिलता है, इसलिए अब इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा, है ना। अब आगे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, अगर पर देखो पूरी सीरीज में आपको पता है कि 5 आने वाला है इकाई के स्थान पर, 14 गुणा 15 इकाई के स्थान पर 5 आने वाला है, और बाकी संख्या आपको एक संख्या सम मिल गई, सम का मतलब ये हुआ कि जैसे 12 मिल गई 14 मिल गई कुछ भी मिल गई, तो इसका मतलब है कि वो इकाई अंक 0 आना तय। देखो इसका कैसे, कि 5 का गुणा, 5 अगर इकाई अंक में है और इसका गुणा किसी भी सम संख्या में अगर करते हैं, किसी भी सम संख्या में, तो हमेशा इकाई अंक कैसा आएगा आपका, हमेशा इकाई अंक आएगा आपका 0, है ना। जैसे 5 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 5 दुना 10, यानी इकाई अंक 0, 5 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो 5 चौक 20, इकाई अंक आपका 0, 5 का गुणा 6 में करते हैं तो 6 बजा की 30, इकाई अंक आपका 0। तो यहाँ पर हमें 5 मिला इकाई अंक में, यानी 15, और सम संख्या तो बहुत सारी, ठीक है। ये देखो ये अभी बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं आपको समझने के लिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से लेवल के क्वेश्चन और आएंगे आपको। 129 देखो ये पूरा दे रखा है आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक का, और इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन है और इसका इकाई अंक उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि 2 है ना, पर यहाँ पर क्या करा उन्होंने कि एक इकाई के अंक पर ए रख दिया है, एक इकाई अंक पर ए रख दिया है। 129 × 226 × 18a × 54, और इसका इकाई अंक उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि इनका इकाई अंक 2 होगा, तो इकाई अंक अगर 2 दे रखा है तो पूछा क्या उन्होंने, उन्हें पूछा कि यहाँ पर ए पर एक स्थान पर क्या आएगा। देखो तो इकाई अंक निकालने का तरीका आप लोगों को मैं पिछले स्लाइड में बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हम 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छंग 54, 54 का 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 6 मिलेगा, और 6 का गुणा a में करेंगे तो 6a मिलेगा, तो क्या मिला आपको 6a = 2। देखो अब a में यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अब a में a के स्थान पे क्या आएगा कि यूनिट डिजिट 2 बन जाए आपका, 6 से गुणा करना है, a के स्थान पर क्या रखूं,
ए के स्थान पर क्या रखूं कि यूनिट डिजिट दो मिल जाए। जैसे अगर देखो सिक्स है और सिक्स में किसका गुणा करना है, तीन का गुणा करेंगे छः में, तो छः दूना बारह छत्तीस अट्ठारह यानी आठ आएगा, तो आना चाहिए दो, नहीं तो ये हो नहीं सकता। फिर अगला लेंगे पाँच, छः पंजा की तीस, ए की जगह क्या लेंगे हम, ए की जगह पाँच लेंगे, तो छः पंजा की तीस, तीस यानी जीरो, जीरो मिल रहा है तो इकाई अंक दो है हमारा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ए की जगह सेवन लेंगे हम, तो छः सतो बयालीस है ना, छः सतो बयालीस 42 और 42 है, मतलब इकाई अंक दो मिल रहा है, मतलब ए क्या होगा आपका, ए क्या होगा, ए होगा आपका सेवन, यही आंसर है। देखो आठ का गुणा छः में करेंगे, आठ से 48 आठ मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना, अब समझ में आया होगा आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दो अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक ढाई के अंक से दुगना है, यदि इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन भी दे रखा है कि संख्या कौन सा, 36 हो सकती है क्या, 63 हो सकती है क्या, 48 या 84 हो सकती है क्या। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि इकाई अंक ढाई के अंक से दुगना हो सकता है, तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, पहले आता है इकाई और दूसरे स्थान पर ढाई। अब वो पूछ रहा है कि इकाई का अंक है ढाई के अंक से क्या हो सकता है, अगर ये एक है तो ये क्या हो जाएगा, इसका दुगना दो, अगर ये दो है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, ये चार। आ रहा ना समझने, इकाई अंक ढाई के अंक से दुगना है, मतलब अगर ढाई अगर दो है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, चार, ठीक है। तो यहां पर आपको इकाई अंक ढाई के अंक से दुगना है, इसमें 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले क्या देखना है कि यार दुगना कौन सा है, ऑप्शन में देखना है दुगना कौन सा है इकाई के अंक से, तो दुगना 6 का, यहाँ पर देखो चार, दो का गुना चार है तो तीन का 6 है, तीन गुना 6 तो एक ये हो सकता है, और अभी हो सकता है, अभी ये राइट नहीं है, अभी एक और कंडीशन लगना बाकी है। तीन, छः का तीन नहीं हो सकता क्योंकि छः का दुगना 12 होता है, चार का दुगना 8, देखो एक ऑप्शन ये मिला आपको, ये भी हो सकता है और एक ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक 36 और एक 48। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि इसमें 36 जोड़ दिया जाए, इन संख्याओं में अगर 36 जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं 36, ये 36, ये 36 जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आता है देखते हैं, 6 6 12, 3 3 6 और 1 7, और इनको जोड़ते हैं 8 और 6 14 का 4, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। अब बोल रहा है कि संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, अगर 36 जोड़ दें तो संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते, तो देखो 36 जोड़ दिया 36 में, पर यहाँ पर आ रहा 72, अब स्थान बदल लेते हैं, मतलब 36 का 63 यानी 36 का 63 आना चाहिए, ये 6 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब ये नहीं होगा, क्लियर है ना। अब 48 में ये जोड़ा है हमने तो 84 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 8 इधर चला गया 4 इधर चला गया, तो 8 इधर आ गया 4 इधर आ गया, मतलब ये आपका राइट है। एक बार और देख लेना, इसमें क्वेश्चन में पूछा था 48 को लेकर, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में है कि इकाई का अंक ढाई के अंक से दुगना है, राइट है, इकाई का अंक जो है ढाई के अंक से दुगना है यानी 4 का दुगना 8 है, ये राइट है। 36 जोड़ दें, इसमें 36 जोड़ दिया तो 36 जोड़ने पर एक संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो 48 का 84 हो गया, तो राइट है, बिल्कुल राइट। तो आप ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, पर वो तरीका अभी हमें नहीं करना है, अभी सिर्फ इस तरीके से ही करना है, ठीक है, ऑप्शन से ही। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अगली स्लाइड में देखते हैं। 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 79 तक ये क्वेश्चन है। देखो मेरे करने से पहले इसको आप इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करें, है ना, मैं तो करवा ही रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में पिछले स्लाइड में करवा चुका हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74, देखो 74 है तो एक सीरियल से चल रहा है, 71 72 73 74, तो अगला कौन सा आएगा आपका, अगला कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ,
दिख रहा होगा आपको 71, 72, 73, 74, तो अगला अंक कौन सा आएगा आपका 75, फिर अगला 76, 77, 78, 79, 80। अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में दिखाया आपको, बताया कि अगर 5 आ जाए इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर 5 है और कोई भी सम संख्या मिल जाए गुणे में, सम संख्या तो बहुत सारी है, 2 है, 4 है, तो क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा ये भी मैंने बताया है ना, क्योंकि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो तो इकाई अंक हमेशा कैसा आएगा आपका, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट डिजिट पावर। देखो अभी तक तो हम बिना घात वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिनमें घात नहीं थी, डायरेक्ट आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, इस तरह के क्वेश्चन देखे। पर अगर घात में क्वेश्चन हो तो इकाई अंक कैसे निकाले, घात के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे यहाँ पर बात करें कि जैसे 2 की पावर 2 है तो इसका इकाई अंक बताइए, 2 की पावर 2 को सोल्व कैसे करेंगे, 2 का गुणा 2 यानी 4 आ जाएगा, तो ये तो इकाई अंक का एक ही अंक मिल रहा है इसे। बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, जैसे 3 की पावर 3 तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तारी 9 और 9 का गुणा 3 में होगा तो 27 और 27 का 7 है ना, ये होगा ना, 3 तारी 9 और 9 का गुणा 3 में होगा तो 27 और 27 का आपको क्या है 7। तो पावर वाले क्वेश्चन, तो इतनी बड़ी पावर सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 4251 62 को 56898 टाइम बार गुणा करना है, तो बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे हम, देखो तो इसको करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सिंपल। अब यहाँ पर देखना आपको ये क्या नया है आपके लिए कि 2 है इकाई अंक, क्या देखना है आपको, 2 इकाई अंक देखना आपको 2 है, और इस पूरे पावर में देखना अंतिम के 2 अंक। ऐसा क्यों करा, पावर में अंतिम के 2 अंक क्यों देखे, क्यों देखे, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर यहाँ पर देख लीजिए, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 यानी 2 का गुणा 2 में तो 4, 2 की पावर 3 2 का गुणा 2 का गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 तीन बार लिखना आपको इस तरह से, 2 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 दूना 16 16 का 6 2 की पावर 6। ठीक इसी तरह से आगे चलते हैं, 2 की पावर 5 सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, माफी चाहता हूँ, 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8। अगर 2 की पावर 5 करोगे ना तो इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, 6 दूना 12 यानी 2 मिलेगा, और 2 की पावर 6 करोगे तो इकाई अंक 4 मिलेगा, 2 की पावर 7 करोगे तो इकाई अंक 8 मिलेगा, 2 की पावर 8 करोगे तो इकाई अंक 6 मिलेगा, आप करके देख लेना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखो 1, 2, 3 और 4 पावर के बाद फिर अगले 4 में वही अंक मिल रहे हैं, 2, 4, 8, 6 2, 4, 8, 6 वही मिल रहे हैं ना आपको, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर 2 ये 2 मिल रहे हैं आपको, 2 क्या हो गया इसमें, यहाँ पर भी 2 मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6। इसका मतलब है कि 2 की जो पावर है वो क्या हो रही है, 4 के बाद फिर रिपीट हो रही, फिर 4 के बाद अगर आप इधर 2 की पावर फिर 9 करोगे, 2 की पावर 9 करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, फिर 2 ही मिलना है, इसलिए 2 की अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होने के लिए उसके एक रूल है कि उसके अंतिम 2 अंक में अगर भाग देते हैं तो अगर जो शेषफल बचता है और अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो 4 का पूरा माना जाएगा, एक 4 की डिविजिबिलिटी रूल है, 4 का विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक में अगर उसका भाग देते हैं तो जो बचता है वही पूरे में भाग देने पर भी वही बचता है,
तो यहां पर 98 में सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक 2 लेंगे और 2 की पावर लेंगे 98, और 98 में फिर क्या करते हैं हम, 98 जो पावर है आपकी, 98 में आप 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का भाग लगाने पर क्या मिल रहा है आपको, 4 एकम 4 एक बचा है ना 18 हो गया, सॉरी 4 दूना 8 एक बचा 18 हो गया, 4 दूना 8 4 3 12 4 चौक 16 मतलब 24 टाइम्स गया, तो शेष फल क्या बचा आपका, शेष फल बचा आपका 2, कितना बचा। अब हमें यहां पर मतलब है सिर्फ शेष फल से, किसे मतलब है, शेष फल से। अब शेष फल बचा आपका 2, 4 का भाग लगाया 98 में, शेष फल बचा 2, तो अब नया क्या बन जाएगा आपके लिए, अब 2 की पावर 2 से काम है, अब 2 की पावर 2 बच जाएगा, ये भी हट जाएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है आपका इकाई अंक, इसका पूरे का इकाई अंक निकल के आएगा आखिरी में 4, इस पूरे को सोल्व करोगे तो 4 आ रहा है ना, क्लियर है आप लोगों को। ठीक, देखो अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है, उसको भी रिपीट। अब यहां पर 3 की पावर 87 लेना है आपको, और 87 में आपको 4 से भाग लगाना है, और 4 से भाग लगा देंगे तो 4 दूना 8 फिर 1 साथ में जाएगा, तो 4 एकम 4 तो आपका शेष फल क्या बचेगा, आपका शेष फल बचेगा आपका 3, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 3 की पावर 3 होती है 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 3 9 होती है 27, और 27 का क्या है आपका 7, और आपका आंसर होगा 7, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या निकल गया है आपका 7, क्लियर होगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना आपको, जितनी भी पावर दे रखी है, पावर के 2 जितनी भी घात दे रखी है, उस घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगाना है ना, 4 का भाग लगा देंगे, और जो शेष फल बचेगा, जो शेष फल बचेगा वही इस वाली संख्या पे, इस संख्या की पावर होगी, और वही उसका इकाई अंक होगा उसको सोल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर 8 है, 8 लिया, 8 की अंतिम 2 अंक लेंगे 99, और 99 में हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसमें 4 का भाग लगा देंगे, और 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 4 दूना 8 एक बचा 4 चौक 16 तो कितना बचा आपका 6 और 2 9 शेष फल कितना बचा, शेष फल बचा आपका 2, तो 8 की पावर 2 हो जाएगा, और 8 की पावर 2 मतलब 8 64, और 64 का क्या हो जाएगा आपका 4, इकाई अंक आपका क्या निकल गया आएगा 4, ये आपका आंसर है, क्लियर है। फिर यहाँ पर भी यही क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर भी 8 है इकाई अंक, इसमें 4 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर 58 है, 58 तो इकाई अंक 8 ले लिया हमने, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, 8 ले लिया, और 8 की पावर 84 है, और 84 में अगर 4 का भाग लगाते हो तो पूरा भाग चला जाता है, यानी शेषफल की अवस्था है 0। अब 0 आ जाए तो ऐसा नहीं कि अगर 0 आ गया तो 8 की पावर 0 और किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो तो इकाई अंक 1 आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 0 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिसिटी फिर से शुरू होगी, 8 की साइक्लिसिटी फिर से शुरू होगी, साइक्लिसिटी शुरू होगी मतलब फिर 4 से स्टार्ट होगा, तो 8 की पावर अगर किसी भी, अब तो इतना याद रखना कि अगर भाग देने पर, 4 के भाग देने पर अगर 0 आया शेषफल, तो उस संख्या में उसकी संख्या की पावर क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे। क्यों करेंगे मैं आगे बताऊंगा क्यों करेंगे, 8 की पावर 4 क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे, यही ना। देखो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 8 64 4 8 चौक 32 का 2 और 8 दूना 16 16 का 6 यानी कि आ जाएगा अभी का अंक 6। ठीक इसी तरह से 9 में भी यही है, इकाई अंक 9 लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसको मैं इधर कर रहा हूँ, 9 है और 9 की पावर 88 है, और 88 में अगर 4 का भाग लगा देंगे तो भाग पूरा चला जाता है, और शेषफल बचता है 0, यानी 9 की पावर 4 हो जाएगी, और 9 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया आपका, 9 की पावर 4 9 गुणा 9 गुणा 9 9 गुणा 9 गुणा 9 9 99 81 1 9 1 9 और 99 81 1 9 की पावर 4 का मतलब हुआ कि इकाई अंक आपका क्या आएगा, 1 आएगा। इज जस्ट क्लियर,
अगली स्लाइड देखते हैं, साइक्लिसिटी। देखो अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आपको। साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी मतलब देखो उस चीज का वापस से घूम फिर कर वापस आना साइक्लिसिटी कहलाता है ना। अब साइक्लिसिटी वन टाइम रिपीटेशन मतलब एक वही बार 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 रिपीट होना वन टाइम रिपीटेशन कहलाता है। कैसे? देखो यहां पर आपको दे रखा है जीरो, दिख रहा होगा आपको 0156 की पावर n, तो यूनिट डिजिट वही होगा 0156। कैसे? देखो किसी भी संख्या में अगर लास्ट में जीरो हो और उसकी पावर हो, कुछ भी पावर हो, कुछ भी n यानी कुछ भी पावर दे रखी हो, या दो और दे रखी हो, चार दे रखी हो, 1000 दे रखी हो, 1065 दे रखी हो, 70 दे रखी, कुछ भी दे रखी हो, तो अंतिम में क्या होगा आपका? जीरो, क्योंकि जीरो का गुणा जीरो का गुणा जीरो जीरो में करेंगे तो जीरो ही आना है ना। किसी में भी अगर जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो है। उसी तरह से अगर संख्या के अंतिम में एक है और इसकी पावर कुछ भी है तो आपका अंक क्या आएगा लास्ट में? इकाई अंक एक आएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी में करोगे तो एक ही आना। एक का पावर करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो 61 की पावर कुछ दे रखी है, यहाँ पर 9325 है ना, इतने टाइम तक इसका गुणा करना है, यानी इतने टाइम 61 गुणा 61 गुणा 61 करना है। अब एक का गुणा कितनी बार भी एक में किए जाओ तो एक ही आना है, तो वो भी यही होगा। इस तरह से 5 का भी यही है, 5 अंतिम अंक अगर 5 है और इसकी पावर n है तो भी 5 आएगा, क्योंकि 5 का गुणा 5 में कितनी बार भी करो आप, 5 में 25 देखो 5 का गुणा 5 में कितनी। नेक्स्ट साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी क्या होता है इस बारे में चर्चा करेंगे हम, साइक्लिसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर देखना है आपको, साइक्लिसिटी इकाई अंक में और पावर वाले क्वेश्चन में, खासकर इकाई अंक के क्वेश्चन में पावर वाले में साइक्लिसिटी का कितना महत्वपूर्ण रोल है ये हम जानेंगे इस स्लाइड में। कि साइक्लिसिटी, देखो साइक्लिसिटी क्लियर हो जाएगी तो ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे और आप इन क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे। तो साइक्लिसिटी समझते हैं, साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी यानी रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में, यहाँ इस तरह के प्रश्नों में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो अगर उस संख्या का बार 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 उसी संख्या में गुणा होता है तो कौन सी संख्या निकल कर आती है, यही साइक्लिसिटी कहलाती है। तो साइक्लिसिटी वन टाइम रिपीटेशन मीन्स उस संख्या का अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलना साइक्लिसिटी वन को दर्शाता है। किस तरह से? यहाँ पर 0156 की पावर n दे रखा है और उसका दे रखा है कि यूनिट डिजिट 0156 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जीरो की बात करें तो जीरो का गुणा जीरो में कितनी बार भी करेंगे तो जीरो मिलना है। ठीक उसी तरह से एक का गुणा एक में कितनी बार भी करेंगे एक ही मिलना है। उसी तरह 5 का गुणा और 6 का गुणा अगर स्वयं संख्या में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होना है। यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीरो दे रखा है,
तो अगर अंतिम अंक किसी भी संख्या का जीरो है और उसकी पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, पावर कितनी भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जिसे मैंने लिखा 21360 की पावर 938108 है ना। अब इसको इतने टाइम तक गुणा करना है तो लास्ट में आपका जीरो है, इसकी पावर कितनी भी बड़ी हो उसका इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक उसी तरह से किसी भी संख्या के अंत में एक हो और उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा एक आएगा। उसी तरह से इकाई अंक में अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में पाँच हो और पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा पाँच आएगा। उसी तरह से छः में इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक छः हो और पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक छः आएगा, क्योंकि छः का गुणा छः में करोगे तो छः छः छत्तीस, छत्तीस का फिर छः आएगा, छः लेंगे फिर छः का गुणा छः में करेंगे फिर छः ही आना है। तो 0156 कैसे अंक है, ये ऐसे अंक है कि अगर इनका इनमें अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इनकी पावर कुछ भी हो डायरेक्ट हमें क्या लिखना है वहाँ पर, इनका इकाई अंक वही संख्या होगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वन टाइम रिपीटेशन में कौन कौन से आते हैं, 0, 1, 5 और 6 ये आते हैं वन टाइम रिपीटेशन। ये वन टाइम रिपीटेशन खत्म हो गया, अब आते हैं साइक्लिसिटी टू टाइम रिपीटेशन। अब यहाँ पर किसी संख्या में अगर उसी संख्या का बार बार गुणा करते हैं तो दो संख्या प्राप्त होती है, तो उस रिपीटेशन को कैसा बोलते हैं, टू टाइम रिपीटेशन या साइक्लिसिटी टू। इसमें कौन कौन से अंक आते हैं, इसमें 4 और 9 आते हैं। क्यों आते हैं 4 और 9, देखो 4 और 9 इसलिए आते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पर कि 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 4 चौक 16 6 होता है, 4 की पावर 3 6 चौक 24 4 होगा, 4 की पावर 4 4 चौक 16 यानी कितना आ जाएगा आपका, 4 की पावर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर टू टाइम रिपीटेशन यानी देखो 4 आ रहा है फिर 6 आ रहा है फिर 6 के बाद 4 आ रहा है फिर 4 के बाद 6 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है आपका, 2 साइक्लिसिटी 2, मतलब 4 के केस में क्या आ रहा है आपके, 4 के केस में 2 अंक निकल के आ रहे हैं 4 और 6। इसी तरह से 9 का देखेंगे तो 9 के केस में क्या हो रहा है, जैसे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 3 का गुणा 9 में करेंगे तो फिर 9 आएगा, 9 की पावर 4 9 का गुणा 1 9 में करेंगे तो फिर 1 आएगा। इसलिए पहले 9 मिला फिर 1 मिला फिर 9 मिला फिर 1 मिला, मतलब इस केस में क्या हो रहा है आपका, 9 और 1 मिल रहे हैं। 9 के केस में क्या हो रहा है आपका, 9 और 1 मिल रहा है आपका, मतलब 9 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं मिलेगा, 9 और 1 के अलावा वही अंक मिलेगा। तो यहाँ पर 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या हुई, 2। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 की पावर कैसी, 1 है यानी कैसी है, 1 है यानी विषम है, विषम है। तो विषम में हमेशा देखो यहाँ पे 4 की पावर 1 है तो 4 मिला, 4 की पावर 3 है तो 4 मिला, और 4 की पावर 5 भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 4 ही मिलेगा। इसलिए 4 की पावर अगर विषम है तो इस स्थिति में आपको कौन सा अंक मिलेगा, आपको 4 वाला, विषम वाली स्थिति में 4 वाला मिलेगा, और सम वाली स्थिति में आपको मिलेगा अंक 6। जब 4 की पावर विषम हो तो 4 मिलेगा, 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक 6 मिलेगा, इतना याद रखना आपको। अब 9 के केस में क्या होगा, 9 के केस में 9 की पावर 1 कैसी पावर है आपकी, विषम है तो 9 मिल रहा है, यानी जब पावर विषम है तो आपका अंक कौन सा मिल रहा है, 9, और जब पावर सम है, यहाँ पर सम है तो 1 मिल रहा है, पावर सम है तो 1 मिल रहा है, जैसे 9 की पावर 4 है तो 1। अब 9 की पावर 5 किसी विषम है तो विषम की स्थिति में क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो जब 4 की पावर विषम है तो 4 मिलेगा, 4 की पावर सम है तो 6 मिलेगा, 9 की पावर विषम है तो 9 मिलेगा, और 9 की पावर सम है तो 1 मिलेगा, ये याद रखना। साइक्लिसिटी 2 हो गई, साइक्लिसिटी 1 हो गई, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना, साइक्लिसिटी 1 और साइक्लिसिटी। इनसे क्या है, ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें हमारे जो प्रश्न है वो जल्दी सोल्व हो सकते हैं। अब साइक्लिसिटी 1 हो गया, साइक्लिसिटी 2 हो गया, अब साइक्लिसिटी 4 की बात करते हैं। अब बचे हुए सारे अंक कहाँ आ जाएंगे, साइक्लिसिटी 4 में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, ये 4 अंक आने के बाद फिर रिपीट हो जाते हैं। 4 अंक के आने के बाद रिपीट कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर देखेंगे, हम व्हाइट बोर्ड लेता हूँ मैं आपका, यहाँ पर देखेंगे हम
जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 4 होती है, अंक किस किन अंक की, 2 की होती है, 3 की होती है, 4 की नहीं थी, 5, 6, 7, 8 यही 9 और 0 नहीं होगा, ठीक है, 2, 3, 7, 8 बचे हुए अंक यही है, ये साइक्लिसिटी 4 में आते हैं। साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या हुआ, जिसे मैंने आपको 2 का एग्जांपल दिया था, है ना, कि 2 की पावर 1 क्या होगा, 2, 2 की पावर 2 क्या होगा आपका 4, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 की पावर 4 क्या होगा, 8 दूना 16, 6, उसी प्रकार 2 की पावर 6 क्या होगा आपका, 2, 2 की पावर 7 क्या होगा आपका, 4, 2 की पावर 8 क्या होगा आपका, 8, और 2 की पावर 9 क्या होगा आपका, 6। ये रिपीटेशन बार बार चलता है, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 रिपीटेशन बार बार चलेगा, ठीक। इसी तरह से 3 का भी 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 3 तरी 9, 3 की पावर 3 9 27 7, 3 की पावर 4 7 21 1, उसी तरह से 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 करके देख लेना आप, 3 की पावर 6 हो जाएगा आपका 9, 3 की पावर 7 हो जाएगा 7, और 3 की पावर 8 हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से आगे भी अगर जाएंगे 3 की पावर 9 करेंगे तो 3 की पावर 9 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसी तरह से 7, इसी तरह से 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4, ये 4 के बाद 1, 2, 3 और 4 के बाद फिर रिपीट होते हैं, जैसे 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, इसी तरह से 3 का 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, तो ये रिपीट होते हैं, इसलिए साइक्लिसिटी 4 का कहलाता है। तो ये साइक्लिसिटी 4 में 2, 3, 7 और 8 आ जाएगा। अब साइक्लिसिटी अगर 4 किसी की है और उसकी पावर हो तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर कि 2, 9, 3, 6, 2 की पावर 40, 4, 3, 2, 3, 4, 1, ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि 2, 9, 3, 6, 2 की पावर 4, 3, 2, 3, 4, 1 है। अब हमें पता है कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, और 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते, ऐसा मैंने पहले बताया आपको। अगर देखो, अगर आपको साइक्लिसिटी 1 याद नहीं है, साइक्लिसिटी 2 याद नहीं है, तो ये इस तरह ये साइक्लिसिटी 4 से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कैसे होंगे, कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाला इकाई अंक पकड़ना है आपको, यहाँ पर इकाई अंक 2 है, और यहाँ पर पूरे घात में आखिरी के अंक 2 पकड़ना है, तो कितना है 41, और जो ये पावर है इस पावर में आपको क्या करना है, 4 का भाग लगाना है, तो पावर हमारी 41 है, 41 में 4 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। हमें किससे काम है, शेषफल से काम है, शेषफल आ जाएगा आपका 1, और ये शेषफल 1 है, यही क्या होगी, इस ये शेषफल है, यही इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, ये शेषफल यहाँ आ जाएगा इसकी पावर में, तो 2 की पावर 1, 2, और यही आपका इकाई अंक होगा, यही आपका आंसर होगा। विषम संख्या की घात करने पर इकाई अंक हमेशा विषम आएगा, और सम संख्या की घात करने पर इकाई अंक हमेशा सम आएगा। विषम संख्या की अगर पावर करोगे तो हमेशा कैसा अंक निकल के आएगा, विषम अंक ही निकल के आएगा, और सम अंक का अगर पावर करेंगे तो हमेशा सम निकल कर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ पर ले लिया आपने, कोई एक विषम संख्या है आपके पास, और विषम संख्या है, और इस विषम संख्या की क्या करेंगे, घात करें, अगर घात सम हो या विषम, कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, आपका उत्तर किस में आएगा, हमेशा विषम आएगा। उत्तर कैसा आएगा आपका, विषम ही आएगा, विषम अंक ही आएगा। इसी तरह से सम है, कोई संख्या सम है और इसकी पावर सम हो या विषम कुछ भी हो, हमेशा उत्तर कैसा निकल के आएगा आपका, सम ही निकल के आएगा। इसी तरह से ठीक है, ये हो गया, अभी अप्लाई करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को हम। ये इतना याद रखने की ज़रूरत है आपको कि अगर कोई क्वेश्चन अगर विषम है और इसकी पावर सम या विषम है तो उत्तर हमेशा विषम में निकलगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं वो भी अभी आगे देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या देखा, 5 के बारे में दे रखा है। 5 के बारे में एक रोचक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कि अगर 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में, 1, 3, 5, 7 कैसी संख्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर यानी विषम अंक है, और विषम अंक में अगर 5 का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है आपको, 5 ही मिलता है, हमेशा 5 ही मिलता है इकाई अंक। इसी तरह से 5 में अगर किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा कैसा अंक मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, गुणा करके देख लीजिए,
पाँच का गुणा दो में करेंगे तो जीरो, पाँच गुना दस, पाँच चौक बीस, छः पंजे की तीस, अठावन चालीस, तो हमेशा अंतिम अंक कौन सा होगा? जीरो। इसी तरह से सम में करेंगे तो हमेशा अंतिम अंक कैसा निकल के आएगा? पाँच। देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं 2358 की पावर 195 और 2456 की पावर 128 इंटू 582 की पावर 1957 इंटू 2345 की पावर 458, है ना। अब यहां पर इतना कुछ बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को देखकर हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर देखना है कि आठ, यहाँ पर छः, यहाँ पर दो और यहाँ पर इकाइन, है ना। अब आठ किसी आठ की साइक्लिसिटी क्या है आपकी? आठ की साइक्लिसिटी क्या है? फोर है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों में चार का भाग लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर एक देखते हैं पूरे क्वेश्चन को, जब देखा मैंने तो पूरे क्वेश्चन मुझे क्या मिला, यहाँ पर पाँच मिला, क्या मिला? पाँच। यहाँ पर देखेंगे पाँच इकाई अंक, और पाँच की पावर कुछ भी हो, पाँच की पावर क्या हो, कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक कैसा आएगा आपका? पाँच। ये मैंने बताया क्योंकि पाँच की साइक्लिसिटी क्या होती है? वन होती है। उसकी पावर कितनी भी कर दोगे तो पाँच ही मिलना है। और फिर अभी अगली स्लाइड में बताया था मैंने कि पाँच में किसी भी संख्या का सम संख्या का अगर गुणा करते हैं, सम संख्या का गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको? जीरो। ये अभी बताया था आप लोगों को, ये सम संख्या का गुणा करते हैं तो जीरो। तो क्या सम संख्या मिल रही है क्या हमें इधर? गुणे में सम संख्या मिल रही है क्या? हाँ मिल रही है, दो है, छः है, आठ है, और दो में दो की पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, हमेशा अंक कैसा निकल के आएगा? सम निकल के आएगा। इसी तरह से ये भी सम है, सम की पावर सम है तो भी सम ही निकल के आएगा। तो सम का एक गुणा तो हमें मिला ही, एक सम संख्या हमें मिलेगी, और किसी भी सम संख्या पाँच का गुणा करते हैं तो जीरो। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? पूरे का जीरो आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पाँच की पावर कुछ भी हो पाँच आएगा, और पाँच के गुणे में अगर सम संख्या हो तो जीरो आएगा। तो हमें सम संख्या भी मिल रही है, पावर ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, पाँच की पावर ये है तो हमें पाँच मिल रहा है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो एक मिनट, इस क्वेश्चन को इधर आता हूँ। देखो तीन की साइक्लिसिटी क्या होती है? चार होती है। सात की साइक्लिसिटी भी चार होती है और आठ की साइक्लिसिटी, तो ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। तीन की साइक्लिसिटी होती है तो इसमें चार का भाग लगा देंगे, पावर में चार का भाग लगाया तो बचा क्या? शेषफल आपका एक बचा, तो यहाँ तीन की पावर एक आ जाएगा गुणा सात, और सात में चार, सॉरी इसकी पावर में भी चार का, अंतिम दो अंक में चार का भाग लगा देंगे तो शेषफल बचेगा दो। उसी तरह से इसमें भी अंतिम अंक में चार का भाग लगा देंगे तो चार दूना आठ, एक बचा, चार त्री बारह, शेषफल क्या बचा आपका? शेषफल क्या बचा? चार दूना आठ, एक बचा, चार त्री बारह, शेषफल एक बचा, यहाँ आठ सात की पावर दो हो जाएगा और यहाँ पर आठ की पावर कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। सोल्व कर लीजिए, तीन की पावर एक तीन होता है, सात की पावर दो, साथ ही साथी ओगन पचास, और साथ ही साथी ओगन पचास, सात गुणा सात तो नौ होता है और आठ का आठ होता है, फिर नौ गुणा तीन कितना हो जाएगा? सत्ताईस, नौ होती है सत्ताईस का सात, सात का गुणा आठ में करेंगे तो आठ ही साथी छप्पन, छप्पन का छः, यही आपका यूनिट डिजिट होगा, यही आपका आंसर है, यही कई अंक है। क्लियर है आप लोगों को? बहुत, यहाँ पर सभी की साइक्लिसिटी, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि इनकी सभी की साइक्लिसिटी चार है, चार साइक्लिसिटी होती तो पावर में क्या करेंगे? चार का भाग लगा देंगे, शेषफल जो बचेगा वही उस संख्या की पावर होगा, और उस संख्या की पावर हमेशा चार से कम आएगी तो उसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें इकाई अंक छः मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। जब मैं पहले सोल्व करूँ, इसके पहले आप इसको, इस वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपको आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम दो चार क्वेश्चन करने के बाद आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी और आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व करने लग जाओगे, है ना। ठीक है, यह क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है इकाई अंक में, एक है मतलब क्या हो गया आपका? एक की साइक्लिसिटी एक होती है तो एक का एक ही आएगा, कितनी बार भी गुणा करेंगे। दो, अब दो की साइक्लिसिटी चार होती है, इसलिए दो की क्या करेंगे, इसमें अंतिम अंक में चार का भाग लगा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? चार पंजा के बीच शेषफल दो बचेगा, तो दो की पावर दो हो जाएगा गुणा
यहाँ पर तीन की साइक्लिसिटी क्या होती है, चार होती है, इसलिए इसमें चार का भाग लगा देंगे तो शेषफल बचेगा चार आठ बत्तीस, एक बचा तो यहाँ पर तीन की पावर एक हो जाएगी, गुणा यहाँ पर भी देखेंगे चार की साइक्लिसिटी क्या, देखो चार की साइक्लिसिटी क्या होती है, दो होती है, और दो होती है इसका मतलब क्या होता है कि चार और छः आता है, तो चार और छः किस केस में आता है, अगर विषम हो तो किस केस, विषम हो तो चार की पावर विषम हो तो चार आता है, और चार की पावर सम हो तो क्या हो जाएगा आपका, चार की पावर सम हो तो क्या हो जाएगा छः आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट छः लिख दूँ मैं, डायरेक्ट छः लिख दूँ ना, ठीक है, क्योंकि चार का क्या होता है दो, एक सम पावर हो और एक विषम, तो सम की स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, विषम की स्थिति में चार और सम की स्थिति में छः, तो सम की स्थिति में छः लिख दिया, फिर छः की पावर कुछ भी हो क्योंकि इकाई अंक एक होता है, सही की दृष्टि क्या होती है छः की, छः ही होती है, तो यहाँ पर छः आ जाएगा। करते हैं दो की पावर दो, देखो दो की पावर दो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दो की पावर दो, दो की पावर दो चार, दो की पावर दो चार, तीन की पावर एक तीन, गुणा करते हैं चार एकम चार, चार का गुणा तीन में करेंगे, चार त्री बारह, बारह का क्या ले लेंगे यहाँ पर दो, फिर दो का गुणा छः में करेंगे, छः दूना बारह दो मिला, फिर छः का गुणा दो में करेंगे, छः दूना बारह दो मिला, ये आपका फाइनल आंसर है, आपका दो आंसर, फाइनल आंसर आपका हो गया दो। क्लियर है ना आप लोगों को, ये कैसे करा, ये भी क्लियर है ना, चार का गुणा एक में करा चार आया, चार का गुणा तीन में करा चार त्री बारह का दो, दो का गुणा छः में करा छः दूना बारह, बारह का दो, दो का गुणा फिर छः में करा छः दूना बारह, बारह का दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है वन पॉइंट, सॉरी ये दशमलव नहीं है ना, इसका दशमलव मत, ये क्वेश्चन है इस तरह से, 137 की पावर 13 और 47, तो देखो यहाँ पर क्या है, पूरे की पावर 47 है, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर एक लगता है x की पावर m की पावर n हो तो x की पावर m इंटू n हो जाता है ना, यानी इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का गुणा किस में हो जाएगा 47 में, 13 का गुणा 47 में करेंगे, 611 क्या हो जाएगा 611, तो 137 की पावर क्या हो जाएगी 611। अब यहाँ पर इकाई अंक क्या है आपका, सात और सात है, और यहाँ पर सात की साइक्लिसिटी क्या होती है चार, तो सात की पावर 11 और 11 में क्या कर देंगे यहाँ पर 11 में चार का भाग लगा देंगे, तो शेषफल क्या बचेगा आपका चार दूना आठ तीन बचेगा, तो यहाँ पर सात की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, सात की पावर कितनी हो जाएगी तीन, क्योंकि इसमें चार का भाग लगा दिया ना आपने सात में, तो सात की पावर तीन, सात ही सात ही 49, नौ नौ सौ 63 यानी तीन है ना, ठीक है, तो इकाई अंक क्या निकल के आया आपका तीन निकल के आया। अगला क्वेश्चन है 225 की घात है 66 की घात है 33, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, बहुत सरल है ये भी, यहाँ पर इकाई अंक पाँच है और घात कुछ भी हो, तो पाँच की पावर अगर कुछ भी हो, पाँच की पावर कुछ भी हो, या हमेशा इकाई अंक पाँच ही आएगा, पाँच की साइक्लिसिटी वन होती है, क्योंकि पाँच का गुणा पाँच में कितनी बार भी करेंगे आप, कितनी बार भी करेंगे इकाई अंक हमेशा पाँच ही आएगा। देखो इस क्वेश्चन में देखना हमें कि यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो 9 की पावर क्या है आपकी, 9 की पावर कैसी है आपकी, विषम है, सम है, सम है, माइनस यहाँ पर देखना है 3, और 3 का क्या दे रखा है इन्होंने, 3 की पावर क्या है 43 है, 43 में 4 का भाग लगा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपका, शेषफल बचेगा 3, तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा आपका कि 9 की पावर सम है तो क्या होता है एक होता है, 9 की पावर सम है तो एक आता है, ये मैं बता चुका हूँ, 9 की पावर विषम हो तो 9 आता है, और 9 की पावर सम हो तो एक आता है, माइनस 3 की पावर 3, 3 दारी 9 होते 27 यानी 7, अब यहाँ पर 1 माइनस 7 तो ऐसा तो आंसर बनेगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक में से 7 में से एक घटाते तो माइनस 6, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर एक के पीछे और भी डिजिट है, क्योंकि ये तो इकाई अंक है, 7 भी इकाई अंक है, इसके पीछे भी बहुत सारे अंक है, तो इसको क्या करेंगे 10 प्लस कर लेंगे, इस वाले अंकों को क्या करेंगे 10 प्लस करेंगे, तो 10 प्लस करेंगे 1 प्लस 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 11, तो यहाँ पर 11 माइनस 7 हो जाएगा, और 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा
चार हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके पीछे भी अंक है ना, इसके पीछे भी अंक है, तो ये 11 हो जाएगा, 11 में 7 चला जाएगा तो 4। ऐसे केस में ऐसा करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू अगर बड़ी आती, माइनस वाली अगर बड़ी आती है तो इधर प्लस 10 करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर 8 है तो 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, और यहाँ पर 4 का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे तो शेषफल बचेगा आपका 3, तो यहाँ पर 8 की पावर हो जाएगी आपके 3 माइनस, इसी तरह से यहाँ पर भी 9 की पावर विषम है, विषम है तो क्या आ जाएगा आपका 9, विषम है तो क्या आ जाएगा 9, 8 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 64 4 हो, 8 32 2, 2 माइनस 9 है ना, अरे 8 की पावर 3 है, 8 गुणा 8 8 64 का 4 और 8 32 32 का 2, तो ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर माइनस का 9 है, यहाँ पर 2 है, मैंने फिर बताया कि इसके पीछे भी और अंक हैं, क्योंकि ये तो इकाई अंक, इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो मतलब यहाँ क्या कर देंगे प्लस 10 कर देंगे, प्लस 12 आ जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये आंसर है आपका, प्लस 10 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा यूनिट डिजिट, और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड, हाँ यूनिट डिजिट से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट हम अग्निवीर बेच चला रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर जो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बाकी ये और क्वेश्चन भी हैं इसके ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह के और कंटेंट मिलते रहें, और आपको बाकी जीके वगैरह की क्लासेस भी चल रही है तो उनको भी प्लीज़ वॉच करें, और जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले ज़्यादा से ज़्यादा।